अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट वर्ल्ड कप से तो हम आउट हो गए हैं, लेकिन क्रिकेट हमारे दिलों से कभी आउट नहीं हो सकती। इस हफ्ते बुक ऑफ द वीक के लिए मैंने सेलेक्ट की है उस्मान समीउद्दीन की किताब द अनक्वाइट वंस, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। आप लोग क्रिकेट के बारे में जो जानना चाहते हैं, जो दिलचस्पी रखते हैं, और हम सब इसके माहिर भी हैं खैर से, वो अगर कोई किताब एक पढ़ना चाहते हैं तो उनको ये किताब पढ़नी चाहिए। ये किताब 5 हिस्सों में है और यही 5 हिस्से पाकिस्तान के 5 अदवार हैं, जिसको उस्मान जो हैं वो कहते हैं अराइवल। जब हम शुरू हुए कितने मुश्किल से, ओवल टेस्ट हमने जीता, हमने बड़े काम किए, लेकिन फिर दूसरा हिस्सा शुरू हो गया जिसे वो कहते हैं रिग्रेशन। 60 में हम नीचे चले गए, फिर 70 की दिहाई में हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, फास्ट बॉलिंग आ गई, इमरान खान आ गए, हमने जीतना सीख लिया, और 90 की दिहाई का जो आगाज़ था वो हमारा हाई था। ये चौथा सेक्शन है इस किताब का, और फिर 5वां सेक्शन है अनरिवीलिंग का, जब हमारे जुए की बातें हो गई, कप्तानों में बगावत हो गई, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क के अंदर से क्रिकेट जो है उसका खात्मा हुआ थोड़े अरसे के लिए, फिर वो वापस आई है, और अब हम दोबारा एक कंसोलिडेशन में है। ये किताब आप लोगों को ये बताएगी कि इन सारे अदवार में हम किन किन मराहिल से गुजरे हैं, और ये किताब बड़ी दिलचस्प इसलिए भी है कि ये बोरिंग नहीं है, ये इसमें स्टेटिस्टिक्स नहीं है, इसमें कोई ये बातें नहीं हैं कि जी फलाम मैच में ये हारे, ये जिंदा जीती जागती किताब है। इसमें जब गेंदों का बताया गया है, उस गेंद जिससे राहुल द्रविड़ को वसीम अकरम ने आउट किया बॉल ऑफ द सेंचुरी, तो उसके पीछे क्या कहानी थी, वसीम अकरम बना कैसे, वसीम अकरम कैसे बना, वकार यूनुस कैसे बना, वकार यूनुस साहब जो हैं वो लेग ब्रेक बॉलर बनना चाहते थे, मिस बॉल हक कैसे बने जो MBA करके शायद बैंक मैनेजर वगैरह होते, और फिर इसमें जो सबसे अच्छा जो इसकी खूबी है, जो मुझे बड़ी पसंद आई, जो इस किताब की मेन है, कि जो पर्सनल स्केचेस हैं वो बड़े आला हैं। हमारे सुपरस्टार्स की क्या कहानी है, हनीफ मोहम्मद को उस्मान कहते हैं कि वो सॉलिटरी मास्टर थे, उनको लिटिल मास्टर कहते हैं लेकिन वो अकेले भी थे। इमरान खान को ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, उन्होंने हर एज पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया अभी सियासत तक आके। जावेद मियांदाद को वो कहते हैं कि जावेद मियांदाद को हमेशा अपनी इज्जत बेइज्जती की फिक्र होती थी, वो विक्टिम ही बने रहते थे। ये किताब बहुत मज़ेदार एनेक्डोट से भरी है। टेप बॉल आखिर कैसे शुरू हुई, ये मैन ऑफ द मैच कैसे शुरू हुआ, विल्स और गोल्ड फ्लेक कहाँ से आए, और वो आपको उर्दू कॉमेंट्री याद है, रंजें, वो रंजें कैसे बनती थी, उस सारी कहानी इसी किताब में है। अगर आप लोग पाकिस्तानी क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं, अगर आप लोग लाइव क्रिकेट पढ़ना चाहते हैं, तो ये किताब, उस्मान समीउद्दीन लुत्फ दे देते हैं, उनके लफ्ज़ भी दौड़ते हैं जिस तरह वसीम अकरम दौड़ रहे हैं। हैप्पी रीडिंग, थैंक यू।